कुछ दिनों पहले मैंने ब्लू आई समुराई, ये एक एक्शन एडवेंचर और रिवेंज वाली एनिमेटेड सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ दिनों पहले आई है, जिसको पूरा देखने के बाद में मैं ये वाला रिव्यू बना रहा हूँ। तो एनिमेटेड सीरीज सुन के आपको लग रहा होगा कि ये एक एनिमे होगा या एनिमे सीरीज होगी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो सीरीज है वो जापानीज एनिमेटेड सीरीज नहीं है। अब ये सुन के भाग मत जाना, ये जो सीरीज है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इस वाले सीरीज का जो एनिमेशन है वो आपको थोड़ा सा मिलता जुलता लगेगा आर्केन से। आर्केन सीरीज तो आपने देखी होगी, बस उसी टाइप का एनिमेशन आपको इस वाले सीरीज के अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इस वाले सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक है। इस वाली सीरीज की जो स्टोरी है वो बेस्ड है 17 सेंचुरी में, जहाँ पर जापान के अंदर अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है मिजू, जो कि एक समुराई है, और वो अपना बदला लेने के लिए बहुत सारे एडवेंचर करता है, बहुत सारा खून खराबा करता है। इस वाले सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वायलेंस है, साथ साथ कुछ ज्यादा ब्रूटल एक्शन सीन्स है, इसलिए ये वाली सीरीज जो है वो एक आर रेटेड सीरीज है। इसके अंदर आपको बहुत सारी न्यूडिटी और डिस्टर्बिंग सीन्स मिलेंगे, इसलिए अगर आप 80 प्लस नहीं हो तो ये वाली सीरीज मत ही देखना। अगर देख भी रहे हो तो भाई अकेले बैठ के देखना। यही इस वाली सीरीज का थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है, लेकिन ओवरऑल हम इस वाली सीरीज को देखें तो काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी स्टोरी आपको काफी ज्यादा टाइम तक एंगेज करके रखती है। 17 सेंचुरी के अंदर जापान का जो शोगन है, उसने पूरी की पूरी कंट्री को आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, मतलब बाहर से कोई भी कंट्री का इंसान जापान के अंदर इंटर नहीं कर सकता। इसलिए उस टाइम जितने सारे बाकी कंट्रीज के लोग थे उनको जापान से बाहर निकाल दिया गया था या उन लोग को मार दिया गया था। लेकिन उस टाइम 4 व्हाइट लोग अपने पावर्स का यूज करके जापान के अंदर फिर भी रह रहे थे, और उन्हीं में से एक जो बंदा था वो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट मिजू का फादर था। इसलिए जो अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट होती है मिजू, उसकी भी आंखें ब्लू होती है, और इन्हीं ब्लू आंखों की वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। बचपन से ही उसको एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करा जाता है, इसलिए वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। फिर वो डिसाइड करती है कि उसके बर्थ के टाइम जो भी 4 व्हाइट लोग जापान के अंदर थे उन सबको वो मारेगी और अपना बदला पूरा करेगी। इसलिए वो एक समुराई बनने के लिए और स्वॉर्ड्स की सारी टेक्निक को मास्टर करने के लिए बचपन से ही अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखती है कि वो एक लड़की है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी मदद मिलती है अपने टारगेट के पास में जाने के लिए। तो अपने पहले टारगेट के पास में पहुंचने के लिए उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उससे कई ज्यादा बड़े ओपोनेंट से लड़ना पड़ता है, या फिर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट ओवरपावर्ड तो है लेकिन उसके रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो वो कैसे एक एक करके सारी की सारी दिक्कतों का सामना करती है और क्या वो अपने टारगेट के पास में पहुंच पाती है, ये सारी चीजें आपको इस वाले सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। इसका एनिमेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, और साथ साथ इस वाले सीरीज के अंदर के जो एक्शन है वो आपको एकदम चुम्मेश्वरी लगेगी, लेकिन भाई खाते टाइम बिल्कुल भी मत देखना। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला रिव्यू वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।